नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप एक स्वतंत्र देश तथा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं, क्योंकि आपका लोकतंत्र में समृद्ध होना, अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होना तथा विभिन्न चुनावों में मतदाता के रूप में प्रतिभाग करने से ही लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। आपको यह जानकारी है कि प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है और इस बार 13वां राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस 25 जनवरी 2023 के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि इसका प्रारंभ 2011 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा शुभारंभ किया गया था। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संघ एवं राज्य के विभिन्न चुनावों का संचालन किया जाता है तथा इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद से संबंधित चुनावों का संचालन किया जाता है। ध्यातव्य है कि स्थानीय निकायों से संबंधित चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से किया गया था। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं बताना चाहूंगा कि पहले देश के मतदान में सम्मिलित होने के लिए नागरिकों की आयु 21 वर्ष होती थी, किंतु 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से इस आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। इस वर्ष 2023 के राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित जो थीम है वो नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर है, यानी कि वोटिंग जैसा कुछ नहीं है और हम निश्चित रूप से वोटिंग में शामिल होंगे, यह इस वर्ष का थीम है। तथा आगामी राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस के बाद पड़ने वाले सभी कार्यक्रमों में जो गीत गाया जाएगा वो मैं भारत हूं से संबंधित प्रारंभ होगा, यानी कि मैं भारत हूं गीत का गायन किया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस के बाद पड़ने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत। इस बार के राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस के लिए भारत निर्वाचन आयोग से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में 19 जनवरी को माध्यमिक शिक्षा विभाग के कक्षा 9 एवं कक्षा 11 के छात्रों के मध्य तहसील स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता, गीत और इससे संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के मध्य 23 जनवरी को जिले स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा और उसमें प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी तथा इसी प्रकार से 20 जनवरी को उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों के मध्य वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और इनके प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के मध्य जनपद स्तर पर 22 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा जनपद स्तर पर प्रतिभाग करने वाले तथा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। 21 जनवरी को इसी के मध्य दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण कार्यालय और विभाग के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इन सभी कार्यक्रमों की आख्या अगले दिन निर्वाचन कार्यालय को भी प्रेषित किया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य बेसिकली जनता को, नागरिकों को इस तरीके से जागरूक करना है कि वह मतदाता बन सके, मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सके और आने वाले विभिन्न चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। तो इस तरीके से राष्ट्रीय मतदाता दिवस इस आधार पर मनाए जाने का निर्णय लिया गया है कि सभी लोग मतदान में सम्मिलित होने के लिए जागरूक हो सके, क्योंकि आपका अधिक संख्या में भाग लेना ही ये बताता है कि लोकतंत्र मजबूत होने की दिशा में अग्रसर है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की सूची, इस वर्ष की थीम, इस वर्ष के गीत से आप परिचित हुए होंगे और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।